नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। राहुल गांधी भारत चीन विवाद पर लगातार बात कर रहे हैं, हर दिन ट्वीट या वीडियो के जरिए सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने इस बार पीएम मोदी को घेरने के लिए मनमोहन सिंह के बयान का सहारा लिया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान का हवाला लेते हुए राहुल ने कहा है कि उम्मीद है कि पीएम मोदी मनमोहन सिंह की सलाह को विनम्रता से मानेंगे। राहुल ने अपने ट्वीट में लिखा है, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की महत्वपूर्ण सलाह भारत की भलाई के लिए, मैं आशा करता हूं कि पीएम उनकी बात को विनम्रता से मानेंगे। बता दें कि मनमोहन सिंह ने गलवान वैली सैनिकों की शहादत को लेकर पीएम मोदी और केंद्र सरकार को सलाह दी, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री को अपने बयान से उनके षड्यंत्रकारी रुख को बल नहीं देना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि सरकार के सभी अंग इस खतरे का सामना करने और स्थिति को और ज्यादा गंभीर होने से रोकने के लिए परस्पर सहमति से काम करें। यही समय है जब पूरे राष्ट्र को एकजुट होना है और संगठित होकर इस दुस्साहस का जवाब देना है। मनमोहन सिंह के बयान को ट्वीट करते हुए राहुल ने पीएम नरेंद्र मोदी को नसीहत दी। राहुल चीन के मुद्दे को लेकर लगातार केंद्र सरकार को घेर रहे। 15 जून को चीन के साथ झड़प में 20 जवान शहीद हुए थे, जिसको लेकर राहुल रोज ट्विटर के जरिए केंद्र सरकार को घेर रहे। कुछ वीडियो भी शेयर कर राहुल गांधी ने सवाल उठाए थे। राहुल के सवालों का हालांकि अमित शाह और प्रवक्ताओं ने भी जवाब दिया कि कांग्रेस पार्टी और उसके नेता राहुल गांधी जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, वो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अपमान नहीं कर रहे, बल्कि इस देश का अपमान कर रहे। क्या किसी दुश्मन देश के नेता ने भी इस तरह की भाषा भारत के प्रधानमंत्री के लिए बोली? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सरेंद्र मोदी कहना, इससे बढ़कर क्या अपमान इस देश का किया जा सकता? ये देश बहुत मजबूत है, भारत के लोग इकट्ठे और एकजुट हैं, और उसके नेता नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके लिए इस तरह की जबान, इस तरह की भाषा जिस तरह राहुल गांधी जी ने बोली है, देश के लोग कभी भी उन्हें क्षमा नहीं करें। इतना ही नहीं, एक शहीद के पिता ने भी राहुल गांधी को जवाब दिया था और कहा था कि इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये भारतीय सेना मजबूत सेना है, चीन को हरा सकती है और विदेशों को हरा सकती है। राहुल गांधी, आप नेतागिरी मत करना, ये राजनीति अच्छी नहीं है। हमारा थोड़ा पहले भी फौज में चार है लड़ेगा, अभी फिर और लड़ेगा, शेर बोलेगा ठीक हो गए, भगवान चाहे ठीक हो जाए, फिर भी लड़ेगा सैनिक साथ ही कल तक। राहुल गांधी को ये लग रहा है कि भारत चीन के बीच विवाद का ये मुद्दा उन्हें माइलेज दे ही देगा।